दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही उम्दा कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि सभी जानवरों और पशुओं में गधा ही सीधा और सरल पशु होता है। वह सबसे अधिक नासमझ पशु है। अपने सीधेपन और मंद बुद्धि के कारण उसका सर्वत्र अपमान होता है। समाज में जब किसी को पल्ले दर्जे का मूर्ख कहना हो तो गधा शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीधेपन, बुद्धिहीनता, सहनशीलता आदि गुणों के कारण उसे गधा उपाधि मिली है। गधे में अधिकार बोध की भावना तनिक भी नहीं होती, ना ही उसमें विद्रोह की भावना होती है। वह एक सहनशील प्राणी होता है और हर प्रकार के कष्टों को चुपचाप सहन लेता है। गाय भी सींग मारती है, भले ही लोग उसे गाय माता कहते हैं, किंतु जब वह छेड़ी जाती है तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। यहाँ तक कि कुत्ते को भी लोग गरीब कहते हैं, किंतु उसे भी कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी गुस्सा करते ना देखा होगा ना सुना होगा। उससे चाहे जितना काम ले लो, जितना चाहे पीट लो, सूखी सड़ी गली घास भी डाल दो, तो भी उसके चेहरे पर कभी असंतोष की भावना दिखाई नहीं देती है। प्रेमचंद गधे के स्वभाव का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि वह बहुत सीधा होता है और इन्हीं उसके गुणों के कारण बेवकूफ़ आदमी को गधे की उपाधि दी जाती है। लेखक ने गधे और बैल के प्रसंग के माध्यम से मनुष्य से कम गुण और अधिक गुणों के आधार पर समाज में उसके स्थान और सम्मान की ओर इस पाठ में संकेत दिया है। लेखक का कथन है कि हीरा और मोती दोनों बैलों के बीच में अद्भुत मित्रता थी। दोनों आमने सामने बैठकर मूक भाषा में अपने हृदय की बातें व्यक्त किया करते थे और एक दूसरे के मन की बात समझ पाते थे। उनमें एक गुप्त शक्ति थी जिसे आत्मीयता कहते हैं। कांजी हाउस एक स्थान है जहां पर पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि उनमें से किसी पशु को कोई चुरा करके ना ले जाए। कांजी हाउस में लाए गए पशुओं की देखभाल की जिम्मेदारी भी कांजी हाउस की कर्मचारियों की ही होती थी। एक सच्चाई है कि दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति के दुख को अनुभव कर सकता है। गया के घर में छोटी बच्ची की भी माता हर समय उसके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती थी। जब उसने देखा कि गया छोटी बच्ची का पिता अपने बैलों को अच्छा चारा देता है और झुरी के बैलों को रूखा सूखा खाने को देता है और मारता भी है, तो उनके प्रति गया के अन्याय को देखकर छोटी बच्ची के मन में प्रेम उमड़ आया। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने गधे को मूर्ख ना कह करके उसकी स्वभावगत विशेषताओं का उल्लेख किया है, यथा वह निरापद सहिष्णु होता है। यदि कोई उसको मारता है और दुर्व्यवहार करता है तो वह शांत स्वभाव से उसे सहन कर लेता है। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। जब गया ने हीरा को अत्यधिक मारा तो मोती ने विद्रोह कर दिया और हल जुआ आदि लेकर भाग गया और उन्हें तोड़ डाला और कहा कि यदि वह तुम पर हाथ उठाएगा तो मैं भी उसे गिरा दूंगा। इसी प्रकार जब दोनों को भारी भरकम सांड का सामना करना पड़ा तो भी दोनों सच्चे मित्र की भांति उससे संघर्ष करते हैं और मिलकर उसे हरा देते हैं। इसी प्रकार जब मोती मटर के खेत में फंस गया था, हीरा ने वहां से ना भागकर उसके साथ ही अपने आप को भी पकड़वा दिया। इसी प्रकार जब कांजी हाउस में हीरा रस्सी से बंधा हुआ था किंतु मोती स्वतंत्र था, वे चाहता था कि तो कांजी हाउस से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और हीरा के साथ खड़ा रहा। कांजी हाउस के चौकीदार से मार भी खाई। इन सब घटनाओं से पता चलता है कि दोनों में गहरी दोस्ती थी। मोती को यह देखकर कि गया की छोटी सी बच्ची को गया की पत्नी खूब मारती और तंग करती है, वह गया की पत्नी को उठाकर पटकने की बात कहता है। यह सुनकर हीरा उपरोक्त शब्द कहता है। हीरा के इन शब्दों से पता चलता है
कि प्रेमचंद नारी के प्रति अत्यंत उदार दृष्टिकोण और सम्मान की भावना रखते थे। वे मानते थे कि नारी को पीटना और मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है, यह हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत आत्मीयतापूर्ण इस कहानी में बताया गया है। झुरी एक किसान है, उसके पास दो बैल हैं जिनका नाम हीरा और मोती है। वह अपने बैलों को अत्यंत प्यार करता है, उनकी देखभाल भी भलीभांति करता है। उन्हें अपने से दूर करने में उसका जी छोटा होता है, किंतु पुनः प्राप्त करता है तो वह बहुत खुश होता है। उनसे गले लगाकर मिलता है जैसे बिछड़े हुए मित्र मिले हों। उसकी पत्नी भी अपनी गलती मानकर बैलों के माथे को चूम लेती है। अतः स्पष्ट है कि किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को अत्यंत निकटता और आत्मीयता के रूप में व्यक्त किया गया है। मोती भले ही स्वभाव का विद्रोही लगता हो, किंतु वास्तव में वह सच्चा मित्र और पशु होते हुए भी मानवीय गुणों का प्रतीक है। जहाँ कहीं भी उसे अन्याय और अत्याचार देखता है वह उसका विरोध करता है। वह दूसरों के दुख को अनुभव करता है और दूर करने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को तत्पर होता है। छोटी बच्ची के प्रति होने वाले अन्याय को देखकर वह कह उठता है कि मालकिन को ही उठाकर पटक दूँ। इसी प्रकार कांजी हाउस में वह सींगों से दीवार को गिराकर अन्य पशुओं की जान भी बचाता है। उसे इसके लिए बहुत मार खानी पड़ती है और कसाई के हाथों नीलाम भी होना पड़ता है, किंतु उसे अपनी मार की कोई चिंता नहीं है। वह चाहता है कि जितना अधिक हो सके दूसरों के काम आए। निश्चय ही यदि कोई व्यक्ति शोषण और अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ ऊंची करता है तो उसे सदा ही संघर्ष करना पड़ता है और अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इतिहास इस बात का गवाह है। हीरा और मोती ने गया के द्वारा किए गए अन्याय और शोषण का विरोध किया तो उन्हें भूखा रखा गया। इसी प्रकार कांजी हाउस में कांजी हाउस के मुंशी और पहरेदार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई तो वहाँ भी उन्हें मार खानी पड़ी।